हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी प्रत्याशियों की पहली फहरिस्त जारी होते ही भाजपा प्रत्याशियों के घरों के बाहर ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी का दौर शुरू हो गया। अम्बाला शहर विधानसभा सीट से पार्टी ने असीम गोयल को एक बार फिर मौका देकर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। असीम गोयल की टिकट पक्की होते ही उनके समर्थक भारी संख्या में असीम गोयल के घर के बाहर पहुंचे और ढोल नगाड़े आतिशबाजी सहित लड्डू का आदान प्रदान करके अपनी खुशी को जाहिर किया। इस दौरान अम्बाला शहर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बने असीम गोयल ने भी घर के बड़े बुजुर्गों से माथे पर तिलक लगवाकर उनका आशीर्वाद लिया। असीम ने पार्टी द्वारा दूसरी बार उन पर विश्वास जताने के लिए पार्टी आला कमान का आभार जताया और इसे मनोहर लाल द्वारा करवाए गए विकास का टिकट बताया और कहा कि वह इस बार भी प्रचंड जीत हासिल करके नया आयाम साबित करेंगे। ये सब कार्यकर्ता साथियों के विश्वास का और जो अम्बाला शहर में अब तक का अभूतपूर्व विकास हुआ है, पिछले सारे सरकारों के काम एक तरफ, आदरणीय मनोहर लाल जी के 5 साल विकास के एक तरफ, और कार्यकर्ता साथियों का जो ये परंपरागत सीट अम्बाला शहर की भारतीय जनता पार्टी की रही है, तो ये कार्यकर्ताओं के प्यार की, उनके समर्थन की, उनके समर्पण की, उनके पसीने की, उस विश्वास का जो है, उस विश्वास का टिकट है, उस विकास का टिकट है। इस नाते भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, हम द्वारा प्रचंड बहुमत से जीत के इस सीट को उनकी जोड़ी में डालेंगे। असीम गोयल के लिए इस बार जीत की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि अम्बाला शहर विधानसभा सीट से पार्टी के ही कई कार्यकर्ता टिकट के चाहवान थे। बस इतना नहीं, वह कार्यकर्ता किसी न किसी कारण से असीम गोयल से नाराज भी थे। यही कारण रहा कि न केवल इन कार्यकर्ताओं ने पार्टी आलाकमान से खुद चुनाव लड़ने की इच्छा जताई, बल्कि इन कार्यकर्ताओं ने असीम गोयल को लेकर कई तरह की नाराजगी भी दर्ज करवाई। असीम गोयल से जब रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने की बात की गई, तो उन्होंने कहा कि उनसे कोई नाराज नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए प्रत्याशी सिर्फ कमल का फूल है, लिहाजा कमल के फूल के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने वाले आदमी किसी से नाराज नहीं हो सकते। असीम ने कहा, मैं उन्हीं की रहनुमाई में चुनाव लड़ूंगा, मेहनत करूंगा और फिर से जीतूंगा। ये कुछ लोग विरोध कर रहे थे, उन्हें कैसे मनाएंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय अनिल जैन जी का, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान सुभाष बराला जी का, पूरी हाईकमान जो हमारी केंद्रीय है प्रदेश है, उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। और कोई रूठा हुआ नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए प्रत्याशी कमल का फूल है और कमल के फूल के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने वाला आदमी कभी किसी से रूठ नहीं सकता। आज कमल के फूल के नाते भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ क्षेत्र में उतारा है। सभी कार्यकर्ता साथी मिलकर मेहनत करेंगे, हमारा किसी से मनभेद नहीं है और जहाँ मनभेद नहीं होता वहाँ रूठने वाली बात नहीं रहती। कोई भी प्रत्याशी कमल के फूल से रूठा हुआ नहीं रह सकता और उन सब की रहनुमाई में चुनाव लड़के अंतक मेहनत करके बहुत प्रचंड बहुमत से हम द्वारा इस सीट को जीतने जा रहे हैं।